नमस्कार ओम शांति पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है पाथ ऑफ सक्सेस मैंने आपसे पहली बार भी पहले भी कई बार कहा है कि मेरे जीवन की सफलता की कहानी मतलब सफलता की कहानी हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे वीआईपी गेस्ट आते हैं जिनके बारे में जिनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आजकल देखा जाए यूथ क्या सोचता है बाद में कर लेंगे कभी सोचेंगे कभी अभी समय बहुत पड़ा लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं पहले के या फिर आजकल की भी ऐसी जनरेशन देखी जाए नहीं मुझे अभी ही करना है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन की कहानी हम जितना ज़्यादा आपको सुनाएं कम होती है आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं डॉक्टर के के राणा जी जो प्रोफेसर हैं और 30 साल से प्रमुख इस कार्यरत में अनुभवी हैं साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 10 साल से प्रमुख वैज्ञानिकों के कार्य में कार्यरत रहे वैज्ञानिक पुरस्कार विजेता पदक पदक उनको उनको उस स्वन पदक से निभा गया है और अब वह विश्व बैंक परियोजना की देखरेख कर रहे हैं वो भी तीस करोड़ की गुणवत्ता शिक्षा का कार्यरत भी वो साथ साथ निभाते हैं और अब वह उनकी ये कोशिश है कि विज्ञान के साथ साथ वह आध्यात्मिक के कार्य को कैसे छात्रों को इस प्रयोग में लेकर आए बाकी ज्यादा जानकारी जानने के लिए हम उनसे ही सीधा मुलाकात करते हैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए आइए उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके जीवन की सफलता के बारे में डॉक्टर जी इस कार्यक्रम शांति बहुत तो स्वागत है ओम आपके बारे में मैंने जितना ज़्यादा पढ़ा दर्शकों को उतना बता नहीं पाई समय कम है लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी कम एज में इतनी मतलब इतने सारे पुरस्कार आपने निवाजे इतने स्वर्ण पदक आपने आपको मिले और ये जो आपका मैंने जैसे सुना कि तीस करोड़ बैंक का जो परियोजना का जो कार्यरत आप जी जी देख रेख कर तो आपने छोटी सी कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें आपने ये सब शुरू कर दिया क्योंकि छोटी सी ये होती है अभी करेंगे सोचेंगे देखेंगे तो आप, आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए कि नहीं मुझे अभी ही करना है ओम शांति ये आपने जो पूछा उसके लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा ये एक आशीर्वाद था प्रभु का आशीर्वाद है शिव बाबा जी का आशीर्वाद काम करने को तैयार हुए मुझे पता है कि इतनी बड़ी परियोजना थी उतना ही तनाव होगा एंजाइटी आएगी जिम्मेवार बढ़ेंगी और हमारे पे प्रेशर बना रहेगा दबाव की हमें कार्य करके देना है पर ये सब एक आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता आप चाहे जितनी मर्जी कैपेबल हो इंटेलिजेंट हो कोई ना कोई शक्ति आपकी मदद के लिए चाहिए होती है तो हमें यह बड़ी खुशी है कि आप बहनों ने हमें सहयोग दिया शिव बाबा जी के मैं अभी जल्दी ही हमने एक प्रोग्राम किया था तो इनके आशीर्वाद का मुझे पता चला राजयोग का पता चला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस तरह की फोर्सेज हैं स्पिरिचुअल फोर्सेज हैं इतने अच्छे मूवमेंट्स हैं जिनकी ये दुनिया चली हुई है इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं तो मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये सब एक प्रभु का आशीर्वाद है जिस वजह से हम एक विद्यार्थियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और रिसेंटली हमने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि एक ब्रह्म कुमारी मूवमेंट है जिसको वो जरूर ज्वाइन करें सीखे ताकि अब बियॉन्ड साइंस सीखने का जमाना आ गया है पढ़ाई में आप जितने मर्जी होशियार हैं इंटेलिजेंट हैं जब तक आपकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं है आपको बड़ों का आशीर्वाद नहीं है तब तक आप महान कार्य नहीं कर सकते तो ये मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सब कुछ आप सब बहनों के सहयोग से श्री बाबा जी जो मैं अभी रिसेंटली उनके बारे में जान पाया हूँ उनके आशीर्वाद से बहन सुषमा जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहा है तो आप सबके सहयोग से हम इस कार्य को कर रहे हैं ये एक टीम वर्क है और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहे हम बच्चों के जीवन में और परिवर्तन लाने में कामयाब हो जाएं साइंस बहुत जरूरी है मुझे पता है पर साइंस के साथ हम चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भी बच्चे आए साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे वर्ल्ड ओवर नंबर वन कहलाए और जब स्टेबिलिटी की बात आए तमीज की बात आए बड़ों की इज्जत करने की बात आए तो हमारे बच्चे उसमें भी नंबर वन हो चेहरे वाइब्रेंट हो चेहरे पे उनके एक ग्लो हो वो जब भी किसी से बात करे तो दूसरा सुनता रह जाए तो हम इस कंपटीशन की भावना से जा रहे हैं और आपका हमें सहयोग मिल रहा है जिसके लिए हम आपके धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपने इतनी सारी बातें ब्रह्मा कुमारी के बारे में कही मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आगे बढ़ने की चेष्टा भी करेंगे तो जैसे कि आपने कहा कि मेरे को ये भगवान का आशीर्वाद है लेकिन क्या आपके घर में फैमिली में कोई बैकग्राउंड ऐसा था जिसको देख के आप एक आदर्श समझकर आगे बढ़े या कुछ और ही आपके मन में कोई प्रियोजना थी कि मुझे ये बनना है मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूँ जो किसी तरह की जाति पाति को नहीं मानता है पर उसके बावजूद मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ हमारा परिवार बड़ा कट्टर ब्राह्मण थे जनेऊ वाले पंडित जी हैं तो हमारी माँ मेरी माँ ऐसी थी जो क्रांतिकारी कहलाई उसने किसी तरह का जाति पाति को कभी स्वीकार नहीं किया सब तरह के लोगों को रिश्ता दिया हमारे घर में कोई भी जिनको छोटी जाति कहते थे उनको रिश्ता दे मेरी मासी बनाया उनकी लड़कियों को राखी बनवा के बहने बनाया तो ये हमें परिवार से कुछ ऐसे संस्कार मिले थे कि सबकी इज्जत करनी है सबका मान सम्मान करना है और आगे बढ़ने की चेष्टा रखनी है हमारे घर के साथ ही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय मूवमेंट था तो हम बच्चे थे बहन जी बहुत अच्छी थी हम जाते थे पर तब हम खाने के लालच में जाते थे तो बहन जी बड़े प्यार से हमें खिलाती थी फिर जब हम बड़े हो गए तो मेरी भतीजी है क्योंकि मैं मेरी फैमिली अपनी नहीं है मैंने शादी नहीं की हुई है पर मेरी भतीजी जो है वो वहाँ जाती थी छोटे होते वो आजकल डॉक्टर है एम की है उसकी पी में आपकी कृपा से उसकी एडमिशन हो गई है फर्जर के लिए तो वह उनके जाती थी वो राधा कृष्ण ऐसे बनती थी तो मैं उसको लेने जाता था तो मुझे इंतजार करना पड़ता था तो मैं इस साहब के इस मूवमेंट ब्रह्म कुमारी मूवमेंट के बारे में जरूर जानता था मेरी माँ बड़ी रिस्पेक्ट करती थी मेरे स्वर्गीय भाई है राजा नाम था वो बहनों की बहुत सेवा करता था मूवमेंट से जुड़ा नहीं था पर सारी बहनें उसको आवाज डालती थी राजा तो राजा के सब्जी सब्जी जो चाहिए तो वो स्वर्गवास हो गया उसका तो एक तरह से सब कॉन्शियस माइंड में हम आपके मूवमेंट में शुरू से जुड़े थे बहन जी से से जुड़े थे पर मैं फॉर्म कभी नहीं आया जी तो अभी हमने कैंप लगाया था तो उसमें हमें बड़ा ज्ञान प्राप्ति हुई तो आजकल मैं कुछ आपके राजयोगा पांच क्लासेज लगा ली हुई हैं तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है हम औरों को भी कह रहे हैं आप आइए काफ़ी वैज्ञानिक का आ रहे हैं हम बड़ी जल्दी आपके वहाँ माउंट आबू जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं जहाँ वैज्ञानिकों को लेके जाएंगे विद्यार्थियों को लेके जाएंगे तो ऐटलीस्ट मैं एक आपका एक बड़ा अच्छा प्रवक्ता बन के उबल रहा हूँ कि मुझे आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगा है मैं हर जगह इसके बारे में बता रहा हूँ और शायद आशीर्वाद था बैन जी सुषमा जी का शिव बाबा जी का कि मैं आया। और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शुक्ला जी हैं तो वो भी मेरे से ऐसे बातें करते रहते हैं मैसेज भेजते रहते थे तो मुझे वो मैसेज अच्छे लगते थे तो ज़्यादा मैं मतलब किसी से ज़्यादा उतना नहीं करता था पर इनके मैसेज थे बहन जी के थे तो शायद वो भी मुझे अच्छे लगे या समय ऐसा आया फिर हमें नौनी में आपका कार्य मिल गया तो हम उसमें थोड़े से आए हैं okay. आगे भी आते रहेंगे औरों को भी लाएंगे मेरी भतीजियाँ भी आशीर्वाद लेने आएंगी तो हमें बड़ी खुशी है कि आप समाज के लिए ऐसा कार्य करते हैं बहुत खुशी है जैसे की आपने कहा आप कुमार तो ऐसा क्यों आया कि मुझे शादी नहीं तो मुझे नहीं पता पर मैं बाई डिफॉल्ट आया हूँ क्यों मेरे परिवार में भतीजिए बहुत है छह भतीजी है तो मेरी माँ लड़कियों को बड़ा पसंद करती है पता नहीं क्या कारण था भगवान जाने तो उसने सारी भतीजियों को अपने पास रख लिया हम छह भाई हैं और माँ को पसंद था कि मेरी जिम्मेदारी यही निभाएगा मैं तो छे की छ मेरे पास आ गई तो मैं छो के बीच ही बिजी रह गया पढ़ाने में तो मेरे मन में ऐसा कोई था नहीं कि शादी नहीं करनी या करनी ऐसा कुछ नहीं था पर हो सकता है ये परमेश्वर की कोई ऐसी योजना थी जिसे मैंने इन बच्चियों को कामयाब करना था एक को पवित्र जीवन जीना था माँ बहनों की इज्जत करनी थी तो कोई ये ईश्वर की कोई योजना होगी तो मुझे उसके बारे में इतना तो समझ नहीं है मेरे घर में लोग ऐसे कहते हैं हमारे कुछ बच्चे हैं मैं एक जिसका आई डी पी का पी आई हूँ तो मैं एक लड़की साइकोलॉजी की भी वो कहती है कि जनरली उसने ऐसा देखा था किसी ऑफिसर तो वो खतरनाक होता है गुस्से होता है, पर वो बोलती कि आपको देख के ऐसा नहीं लगता आप सबसे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं तो शायद मैं इसको आशीर्वाद मानता हूँ प्रभु जी का कोई ऐसा आशीर्वाद है हो सकता है मेरे हाथों कुछ काम कराना हो ऐसा मिशन हो तो पर मुझे उस मिशन का भी पता नहीं है पर मैं कभी ऐसा फील नहीं करता मुझे सारे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं और हम उनके लिए कार्य करते हैं जीज़ी। जीज़ी। बहुत अच्छा जैसे कि आपने कहा कि अपने जीवन के बारे में लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है साइंटिस्ट और साइंस जी जी तो जब आप साइंस का कार्य करने लगते हैं तो उसको माइंड बिल्कुल स्टेबल बनाना पड़ता है एकदम शांत बनाना पड़ता है और अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है उसमें थोड़ी दिमाग में उथल पुथल हो जाती है तो उसको कैसे साइलेंस बना के चलते उसके तो मुझे लगता है जी कि उसका जवाब शायद आपके राजी हो नहीं है क्योंकि पहले तो मैं खुद ही माइंड को कंट्रोल कर लेता था पर जब मैं आपके मूवमेंट में आया हूं देखा है मैंने क्लासेस लगाई हैं तो मुझे लगता है कि हर एक साइंटिस्ट को आपकी इस मेडिटेशन इस क्रिया में आना चाहिए एक तो उसका माइंड शार्प हो जाएगा कंसंट्रेशन आ जाएगी थोड़ी हम्बलनेस आ जाएगी क्योंकि साइंटिस्ट एक हम्बल ही अच्छा लगता है बातचीत के लिए उसका हम्बल होना जरूरी है और आपके इस मेडिटेशन में वो सारा ज्ञान

और विजडम आपको मिलेगी आप जैसे लोगों के बीच में जाके आप जैसे महान लोगों के बीच में बैठे बातचीत करें उससे आपको लगेगा कि दुनिया में हमबल होना बहुत जरूरी है प्यार से बात करना जरूरी है साइंस बहुत जरूरी है जिंदगी में टॉप करना जरूरी है मुकाबला करना जरूरी है पर मुकाबले के साथ हम्बल होना जरूरी है सुस्त तो होकर बिल्कुल नहीं बैठना है आगे बढ़ना है अपने जैसों से मुकाबला करना है सबसे आगे जाना है टर्मवाइल में डरना नहीं है मुकाबले में जीतना है एडवेंचरस होना है पर साथ एक शांति भी जरूरी है अगर आपका कोई काम ना हो जाए तो समझो ईश्वर की योजना है तो ये बातें मुझे इतनी अच्छी नहीं है पता जितनी बहनजियों को पता है तो ये मैं अपने यंग बच्चे जो भी इसको सुन रहे होंगे आई कॉल दम आलोपॉन कि आप लोग पढ़ाई में नंबर वन करो इंटेलिजेंट बनो शार्पेस्ट ब्रेन बनो दुनिया में बहुत आगे जाना है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर सारे हैं क्वेंटम सारी है तो उसको सीखना बहुत जरूरी है पर सीखने के साथ इंटलेक्चुअलसी नहीं चाहिए इंटेलेक्चुअल एडामी आपको डिसेबल बना देगी आपको फ्लेक्सीबल होना पड़ेगा एडेप्टेबल बिहेवियर तो वो कैसे होना है वो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको मेरे विचार है कि वो आपको ये सारा कुछ इस ब्रह्म कुमारी मूवमेंट में आपको मिलेगा हर एक बच्चा इसको ज्वाइन

देखे, देखे साथ बैठे पढ़ाई में बिजी होते हैं जब भी फ्री मोमेंट्स मोमेंट जाओ संडे को जाओ बातचीत करो इनकी तो बड़ी किताबें हैं हैं आपकी तो बहुत बुक्स ऑनलाइन में और वो आपका मेन माउंट है तो सोलर एनर्जी पे इतना काम हो रहा है कुकिंग उससे हो रही है एग्रीकल्चर आपकी ऐसी है कि कमाल की एग्रीकल्चर है ऑल ओवर इंडिया उसका अडोप्ट करने जा रही है पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं हो रहा है मंत्र करने तो ये साइंस है जी तो मुझे तो कई बार आपका मूवमेंट बियॉन्ड

मिलेगी तो ये मेरे विचार जी लेकिन एंड में अंत समय जो ऐसा होगा जैसे आजकल भी देखा जाए कभी कभी साइंटिस्ट भी फेल हो जाते हैं किसी कार्य करने के लिए लेकिन अंत में एक सम, जो साइंस है वो हमारा सहयोग नहीं दे पाएगी तो उसके बारे में आपका क्योंकि आप तो एक साइंटिस्ट हैं उसके बारे में आपका क्या जैसे बिजली हो गया पानी हो गया लाइट्स हो गई बहुत सारी चीजें ऐसे साइंटिस्ट ने बनाई हुई है वो कैसे कार्यरत रहेगी अंत समय में आपका कोई आ, ये आपका जो प्रश्न है ये बड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रश्न आपने पूछा जो बड़ा डिबेटेबल है एक तरफ मैं साइंटिस्टों को मान रहा हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जी। जरूर निकालेंगे साइंस को समझेंगे हर एक चीज को समझेंगे क्योंकि हमारे इंसानों की ये काबिलियत है कि हम मुकाबला करेंगे आखिर तब तक तो हम मुकाबला करेंगे पर एट द सेम टाइम जब मैंने आपके ये पाठ पढ़े राजयोग के तो मुझे कुछ ऐसी चीजें समझाएंगी कि ये कुछ सर्कल है पाँच हजार सालों का तो जब से मैंने पुरुषों से सीखा है ये तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं आप क्वांटम फिजिक्स की बातें तो नहीं कर रहे हैं बियॉन्ड साइंस की बातें तो नहीं कर रहे हैं और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका ये चक्कर वाला है कुछ इसके पीछे साइंस है मुझे भी इतना आइडिया हो रहा है कि कोई क्वांटम फिजिक्स है तो आप लोगों के जो गुरुजी हुए शिव बाबा जी हुए, हुए उन्होंने इस प्वाइंट को समझा जिसको हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप साइंस को करेंगे दे, देखो हमारी तो सोच है हम तो मुकाबला करेंगे जी चाहे जो मर्जी क्राइसिस आ जाए जा 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 जा, क्लाइमेट चेंज जा 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 जा, हो जाए ना चाहे हो जाए हमें तो मुकाबला करना है आखिरी दम तो मुकाबला करना है क्योंकि यही बाबा जी भी बोलते हैं कि अपने कर्म करो और जब भी होगा जो बाबा जी की कृपा होगी तो जो आपने प्रश्न पूछा इसका शायद अभी जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊं पर मुझे ऐसा लग कि की बियॉन्ड साइंस जाएंगे हम और आखिर में अगर साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो आपने ये कुछ चार चक्रों का मुझे समझाया था कैसे द्वापर त्रेता आएगा तो शायद उस तरह का ही कोई अंडरस्टैंडिंग बनेंगे जी लोग इसको समझेंगे जी तो अभी तो हम मुकाबले में ही हैं जी अभी हम मुकाबला ही करेंगे और डटके करेंगे जी फैसिलिटीज भी देंगे जी पर अल्टीमेटली जो अल्टीमेट सच है ट्रुथ है तो वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कि शायद ट्रुथ की तरफ ही इशारा कर रहा है है अभी नहीं नहीं बन रही क्वांटम फिजिक्स जैसे आ गई जी मुझे लग रहा है कि हमारी सारी सोच बदल जाएगी जी पर अब क्या होगा मैं बता नहीं सकता जी पर ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आपका जो विचार है उसमें एक बड़ा कोई जवाब इसमें छिपा होगा जी।, जी ऐसा मुझे लग रहा है जी बोल मैं यूथ को बोलना चाहूंगा कि आप अपने विचारों को ओपन रखें फिजिक्स को पढ़ें साइंस को पढ़ें स्पिरिचुअलिटी का करें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ें हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा सोशियोलॉजी पढ़ो हिस्ट्री पढ़ो इकोनॉमिक्स पढ़ो पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट हैं और ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समाने वाले हैं जी क्योंकि ब्रेन भी हमें इतना पता नहीं चल पाया है ना जी तो आपके इसमें सब्जेक्ट में बड़ा कुछ बताते हैं मैं ऐसा देख पाया हूँ जी पर मैं माफी चाहूँगा जरा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है आपके पर बहुत अच्छा जो भी समझ पाया हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट में कहीं आंसर छिपा है तो आपकी जो महान सुषमा मैजी हैं या महान लोग हैं आपके गुरु में शायद उनके पास इस प्रश्न का जवाब होगा मेरे पास अभी इसका इतना जवाब मुझे लग नहीं रहा है आपने यूथ को आगे बढ़ने के लिए जैसे आपने कहा कि विज्ञान के साथ-साथ उनको आध्यात्मिक एक रास्ता जाना पड़ेगा जी, जी। जाना पड़ेगा आजकल का जो यूथ है हम जैसे हम में से वो एक नशे में डूबा हुआ है बहुत गलत रास्ते ले जा मतलब एक उससे कुछ जी नहीं जी। है, परिवार उससे खुश नहीं उनके लिए स्पेशली क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए बैन जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा जो हमारा ये यूथ है इट इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल इज ब्रिलियंट बेस्ट आजकल एक या दो छोटे परिवार हैं बच्चों को पूरी अच्छी शिक्षा दी जा रही है अच्छा खाना पीना दिया जा रहा है सिर्फ उनको एक अच्छे सिखाने की जरूरत है तो हमारे ये बच्चे बड़े महान बच्चे हैं जैसे आप बोलते हैं शिव बाबा की संतान ने है दे हैव पोटेंशियल ग्रेट बच्चे हैं दिमाग इनके बहुत शार्प है इनको अच्छी डायरेक्शन की जरूरत है उनको डायरेक्शन देने की जिम्मेवारी हमारी है जो टीचर्स हैं आप जैसी बहनें हैं हमारी जिम्मेवारी है और हम इस चीज़ को निभाएंगे जो नशा करने हैं ये सब कंट्रोल हो जाएगा बच्चों को हम एक अच्छा दिशा निर्देश दें पढ़ाई में अव्वल करें टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझें समाज को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा यूथ बिगड़े ऋषि मुनियों की समताने है भारतवर्ष है आपने आपके ग्रुप में खुद लिखा है सत्युगाया कोई त्रेता द्वापर आया कोई अच्छी आत्माएं पुण्य आत्माएं आई पुण्य आत्माओं के आगे ये बच्चे हैं तो ये खराब हो ही नहीं सकते बहुत पोटेंशियल होगा ये कहीं कही ना कहीं समाज की गलती है समाज उनको समझ नहीं पाया पूरे रिसोर्स ही नहीं दे पा रहा है प्रोपर शिक्षा नहीं दे पा रहा है अब दूर क्यों जाना मुझे खुद ही पता नहीं था आपकी इस महान शिक्षाओं का तो चलो मैं तो वैसे ही अच्छा रहा मुझे सुषमा जी, जी बहन जी हैं कल्पना जी जी हैं सारे लोग मुझे बताते रहे तो इस कारण मुझे ऐसा नहीं लगता है हमारा भविष्य बहुत अच्छा है हमारे जो यूथ है इनको हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा मोटिवेट करना पड़ेगा और मैंने ऐसा देखे कि मेरे पास बड़े शरारती बच्चे आते हैं जब हम उनको मोटिवेट करते हैं तो दे स्टार्ट टचिंग अवर फीट और हमारे कहने पे दिन बोलते हैं और हमारे कहने पे रात बोलते हैं तो आई बिलीव इन दिस यूथ रीजन बीइंग दिस इज द यूथ फोर्स जिसने हमें करगिल की लड़ाई जितवाई करगिल में देखो गोलियां चल रही थी गोलियां खाने चले गए तो दिस इज यूथ छत पे गोलियां खाई इन्होंने देश को बचाया और यही यूथ है जो टेररिस्ट अटैक में आगे आता है यही यूथ है जो नेचुरल डिजास्टर में हमारी मदद करता है यही यूथ है जो चौबीस घंटे पीजीआई में ड्यूटी दे रहा है छत्तीस छत्तीस घंटे ड्यूटी दे रहा है यही यूथ है जो नर्सिस बन के इन लोगों की सेवा कर रही है यही यूथ आप जैसी बहनें हैं जो समाज में परिवर्तन ला रही है तुम्हारा यूथ वंडरफुल है सिर्फ बहक गए हैं शिक्षा में कोई कमी रह गई है हमारी गलती है समाज उनको समझ नहीं पाया अगेन हमारी गलती है तो बच्चों को मैं कसूरवार इतना नहीं ठहराता हूँ और कोई ना कोई कमी माँ बाप के लेवल पे रह गई है टीचर्स के लेवल पे रह गई समाज के लेवल पे रह गई फिर भी अगर कोई बच्चा सब कुछ होने के बावजूद तो शरारत कर रहा है तो उसको ज़्यादा केयर की जरूरत है उसके लिए हमारे जैसे जो टीचिंग कम्युनिटी के हैं उनको आगे आना पड़ेगा कोई शिक्षा नीति बनानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा भविष्य है ये हमारा भविष्य है हम भविष्य को ऐसे निग्लेक्ट कर नहीं सकते कि बच्चा शरारती है हमें उसको ज्यादा जोर डालना पड़ेगा तो मुझे यूथ बहुत अच्छा लगता है शरारती हैं कोई बात नहीं हम उनको अच्छा करेंगे तो यही मैं यूथ को बोलना चाह रहा हूं कि अपनी उस शरारतों को दूर करने के लिए बार बार बोल रहा हूं कि आपके जैसे मूवमेंट्स में आए बातचीत करें मन की पवित्रता तो होना बड़ी जरूरी है दिल का साफ होना बहुत जरूरी है आपकी लैंग्वेज में एक सरलता तो होना बड़ा जरूरी है प्योर हार्ट प्योर माइंड एंड प्योर लैंग्वेज सच्चाई जब आपके दिल में ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा आप... आपके मुंह से शिव बाबा खुद बोलेंगे माँ सरस्वती आपके मुंह में आएगी तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का पता चलेगा कर्तव्य का पता चलेगा और आप में अभी हम पहले सुषमा बहन जी से मिले दिन में सौ आदमी आ जाए दो सौ आ जाए उसी अफेक्शनेट बिहेवियर से बातें करती है तो वो ताकत कहाँ से आई ऐसा ग्लो कहाँ से आया इतने प्यार से कैसे खिला रहे हैं ये ताकत है इसी बाबा जी ने कोई आशीर्वाद दिया अभी फिर जाए फिर खिला देंगे <laughs> कितना अपना पन्न है? ये खाओ वो खाओ तो ये प्योरिटी आती है जब आपका मन सच्चा हो शांत हो अच्छे विचार हो अच्छे कर्म हो जीवन में आगे बढ़ने की आप इच्छा रखते हो तो आपके साथ खुद <laughs> ही होते हैं यही मैं बच्चों से <laughs> प्रश्न हूं <कर। laughs> लेकिन अंत में एक प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आपने पांच दिन अभी शुरुआत है तो पाँच दिन जो आपने सीखा उसके अंदर आपने क्या अनुभव महसूस किया ये जो पांच दिन सीखा बनजे ये तो कुछ चमत्कार समझे कि मैं थोड़ा मेरा माइंड थोड़ा ना कई जगह चलता रहता है पर कई जगह चलते रहने का मतलब ये नहीं था कि मैं एग्जाइटी में हूँ मेरा दिमाग ना दस जगह चलता है विद हंड्रेड परसेंट कंसनट्रेशन को ईश्वर का आशीर्वाद है मैं दस आदमियों को बता सकता हूँ कि दस आदमियों ने क्या क्या बातें की कंसेंट्रेशन पर जब मैं ये गया तो बातों दिमाग एक ही जगह लगाना था जब वो लेक्चर हो रहा था जब मैं वहाँ गया तो मुझे पूरा मेडिटेशन में बैठना पड़ा जो मेरा दिमाग दस जगह घूमता था वो एक जगह करना पड़ा जिंदगी में पहली बार तो जब वो किया तो वे शांति बहुत मिली और ग्लो मिला और रात को नींद भी बड़ी अच्छी आई और बहनों से बड़े प्यार से बात की तो मुझे तो वही बड़ा ऐसा परिवर्तन लग रहा है कि शायद मैं शांत हो गया हूँ मेरी लाइफ में सक्सेस बहुत मिली पर रिजेक्शन भी मिली मैंने स्ट्रगल भी की सफलता भी मिली जिंदगी में टॉप भी किया फेल भी हुआ रिसेंटली मैं रिजेक्ट हो गया था किसी काम में आई वॉन्ट वेरी हार्ड मुझे कोई फेल कर नहीं सकता मेरा ऐसा दम था पर मुझे फेल कर दिया

अब मैं रादत द्वारा मेहनत कर रहा हूँ कि जीतना मेरी फितरत है तो मैं जीतूंगा भाई मैं यूथ को बोल तो कि हम जीतेंगे पर हार को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी तो ये शक्ति मुझे आपकी बहनों से ही मिली है अभी मैं पाँच दिन को ज्यादा नॉलेज नहीं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ okay, पर मुझे राजयोग में जाके ये लगा कि आपकी सोल अवेकंड होती है मेडिटेशन के थ्रू आप अपने को रिकॉग्नाइज करते हैं यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अदर्स आप में एक डिसिप्लिन की भावना आती है आप खाने पीने के प्रति एक प्योरिटी की भावना रखते हैं और आप बहुत मिलनसार होते हैं और हम बनना तो जिंदगी में जरूरी है जी हाथ जोड़ के बात करना बहुत जरूरी है तो वो हम्बल मैस आपकी बहुत अच्छी आती है और जो बहनजी हमारी केयर करती हैं मुझे तो बड़ी हैरानी है ख़र्चा वगैरह देख के भी मुझे लगता है कैसे करते हैं कैसे मैनेज करते हैं दो सौ देशों में आप इस कार्य को चला रहे हैं कमाल की बात है बिना कन्फील्ड के चला रहे हैं इतना मान सम्मान आप पा रहे हैं तो आई एम आई एम सो इम्प्रेस्ड और पाँच दिन हुए मैंने अपनी बहनों को भी कहा था वो भी बहुत खुश है कि हमारा भाई जो है आजकल खुश है हमारा भाई घर में टाइम पे आता है तो बहनों को भी बड़ी खुशी है तो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है इसी कारण मैं सबको बोलता हूँ जाओ जाओ जरूर लेकिन आप बस सिर्फ अंत में एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आप अपने कार्य में और ये राजो का मेडिस्टेशन दोनों को बैलेंस बना के कैसे चलते हैं आ, मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत आसान है बैन जी राजयोग तो आपको कंसंट्रेशन सिखा रहा है अच्छा जीना सिखा रहा है भाई ताकत आप अपने काम में लगाओ ये बिल एक्सल आप कार्य में बिजी हैं आपके पास प्रेसिंग एंगेजमेंट्स हैं यू हैव तो टू ऑनर ऑल योर कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स हैं हमारे पास दिन रात काम करना पड़ता है वर्ल्ड बैंक रात को फोन करता है हम दिन में करते हैं इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स हैं कि वी हैव टू ऑनर ही तो, तो बेजती हो जाएगी ऑल प्रेसिंग एंगेजमेंट्स हैं तो रात और राजयोग करके आपके अंदर कुछ एनर्जी का फ्लो हो के आपकी जो कमिटमेंट्स को ऑनर करने की क्षमता बढ़ती है अब हर चीज को एक पंक्चुअलिटी टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं आपके चेहरे पे शांति है है आपके जो सोर्डिनेट्स हैं वो खुश होते हैं खुशी का माहौल बनता है काम तो सब नहीं करना है आप गुस्से होके करो चाहे जैसे करो तो मुझे लग रहा है कि राज योग जो है कि जो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आप जो भी कार्य करें उसमें आपकी क्षमता में वृद्धि होगी और टाइम इसमें वेस्ट होने वाली कोई बात ही नहीं है तो तो आप जब भी फ्री हैं आप उस योग को करो सिंपल टेक्निक्स हैं इतने अच्छे तरीके से सिखाते हैं तो इट विल ऐड टू योर ब्यूटी इट विल ऐड टू योर एफिशिएंसी और आपको जो काम कर रहे हैं उसकी क्षमता में वृद्धि होगी और मुझे का कुछ ऐसा लग रहा है जब आप शांत होंगे तो उम्र गलत विचार आने नहीं बोला कोई चीज छोड़ देनी कभी ठंडा पानी पीना ऐसी ऐसे बोल रहे थे बुरा नहीं सोचना तो कितनी अच्छी बात है ऐसे तो लगता है हम सत्युग में जी रहे हैं इतने पवित्र बातें कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी नंबर वन एंड आई strongly recommend इट और मैं सारे यूथ जो सुन रहे हैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा बच्चों एक्सेल करो अकेडमिक्स में बिकॉज यू हैव टू एक्सेल अकेडमिक्स में आप टॉप नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे मुकाबला करना है पढ़ाई में नंबर वन रहना ही पड़ेगा और उनसे ज्यादा मेहनत करो अपने जैसे जो लोग हैं उनसे मुकाबला करो जीत के आओ जीतना पड़ेगा अच्छी अचीवमेंट्स करो ग्लोरी आएगी अच्छी पोजिशनों पर जाना पड़ेगा अच्छी से अच्छी प्रमोशंस को चाहो पर विद स्टेबिलिटी ऑफ माइंड माइंड किसी का बुरा नहीं करना पर नंबर वन बनना पड़ेगा मुकाबला तो करना है जीतना है और जब तक तो जीत सकते हैं बाकी शिव बाबा जी के ऊपर रख दो जो मिल गया इसका मतलब वो आपका था मैंने भी सुना है सुनाया तो जो नहीं मिला तो वो समझो वो शिव बाबा जी की मर्जी नहीं थी तो ये मेरा एक इन बच्चों के लिए है और एनर्जी लेवल बहुत हाई रखो कभी थकना नहीं चाहिए आदमी को अठारह घंटे हमने तीन सालों से बीस घंटे काम कर रहे हैं वी आर नैव टायर्ड रात को दो बजे सोता हूँ मैं चार बजे उठता हूँ मैं कभी नहीं थकता तो कोई जादू नहीं है ये आपकी एक विल पावर होती है जब आप सोचते हैं तो हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए आज आपने यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत सारी बातें आपने हमें भी एक सीखने के लिए आगे <laughs> आप सब तो मैंने सीखा <laughs> बहुत अच्छी बातें बताई आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं धन्यवाद दी आप सबका सुषमा बहन जी का आप बहनों का कल्पना बहन जी का भाई लोग डॉक्टर शुक्ला जी जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा पुशअप किया और ये जो मौका ने दिया मैं आप सबका धन्यवाद और Uh, हम आपके एंड टू बाबा जी मित्रों आज हमने जानने की कोशिश की कि अपने जीवन की सफलता को आगे कैसे बढ़ाएं इसमें थोड़ी सी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक बात यह है कि प्योर माइंड प्योर हार्ट और प्योर लैंग्वेज अगर ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में होगी चाहे हार हो चाहे जीत हो वो हमें अपनी परिस्थितियों को आगे बढ़ाती रहेगी हार जीत कुछ भी नहीं है उसमें दुख क्या लेके आना सुखी ही सुखी जीवन है और यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज ये मुझे लगा कि अपने आप को आगे बढ़ाएं आपको जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए कैसी भी परेशानी आए आगे बढ़ते रहना है और आध्यात्मिक की तरफ आपको आगे लेके जाना है अपना जीवन अगली कड़ी में फिर से एक मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति